जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के मुकम्मल शेड्यूल के बारे में, वन बाय वन मैच के बारे में। आज हम वीडियो शुरू करते हैं, आपको एक एक मैच का बताते हैं। फर्स्ट सबसे पहले ओपनिंग मैच होगा कतर और इक्वाडोर का, उसके बाद इंग्लैंड और ईरान का मुकाबला होगा, सेनेगल और नीदरलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। उसके बाद 22 तारीख को यूएसए और वेल्स का मुकाबला होगा पहला मैच, दूसरे मैच में अर्जेंटीना और सऊदी अरब की टीमें आमने सामने होंगी, उसका डेनमार्क और तुंदिया की टीमें आमने सामने होंगी, उसके बाद मैक्सिको और पोलैंड का मुकाबला होगा, 23 तारीख को फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा, उसके बाद दूसरा मैच मोरक्को और क्रोएशिया के दरमियान होगा, तीसरे मैच में जर्मनी और जापान की टीमें आमने सामने होंगी और उसके बाद स्पेन और कोस्टा रिका का मैच होगा। इसी तरह 24 तारीख को भी 4 मैच हैं, बेल्जियम और कनाडा का पहला है, उसके बाद स्विट्जरलैंड और कैमरून का मुकाबला होगा, उसके बाद तीसरा मैच है यूरोगोए और साउथ कोरिया का, और आखिरी मैच है पुर्तगाल और गाना के दरमियान। उसके बाद 25 तारीख जुमे को ब्राज़ील और सर्बिया की टीमें आमने सामने होंगी, वेल्स और ईरान का मैच होगा, उसके बाद कतर और सेनेगल का मुकाबला होगा, उसके बाद नीदरलैंड और इक्वाडोर का मुकाबला होगा, उसके बाद 26 तारीख हफ्ते को इंग्लैंड और यूएसए की टीमें आमने सामने होंगी, तुंदिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा, उसके बाद पोलैंड और सऊदी अरबिया का मैच होगा, सऊदी अरब का, उसके बाद फ्रांस और डेनमार्क का मैच होगा, उसके बाद अर्जेंटीना और मैक्सिको का मुकाबला होगा, उसके बाद जापान और कोस्टा रिका का मुकाबला होगा, उसके बाद ग्रुप एफ में बेल्जियम और मोरक्को की टीमें आमने सामने होंगी, और आखिरी मैच होगा उस दिन क्रोएशिया और कनाडा। इसी तरह 28 तारीख को भी 4 मैच स्पेन और जर्मनी की टीमें आमने सामने होंगी, उसके बाद कैमरून और सर्बिया की टीमें, उसके बाद साउथ कोरिया और गाना का मुकाबला होगा, ब्राज़ील स्विट्जरलैंड का, उसके बाद पुर्तगाल और यूरोगोए, उसके बाद इक्वाडोर और सेनेगल, उसके बाद नीदरलैंड और कतर का मुकाबला होगा, 30 तारीख को ईरान और यूएसए का मुकाबला होगा, उसके बाद वेल्स और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी, उसके बाद तुंजिया और फ्रांस का मुकाबला होगा, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क का मुकाबला होगा, पोलैंड अर्जेंटीना, उसके बाद सऊदी अरब और मैक्सिको, क्रोएशिया बेल्जियम, कनाडा का मोरक्को से होगा, उसके बाद जापान और स्पेन का, कोस्टा रिका और जर्मनी का, उसके बाद साउथ कोरिया और पुर्तगाल का, गाना और यूरोगोए, उसके बाद सर्बिया और स्विट्जरलैंड का, उसके बाद कैमरून और ब्राज़ील का, उसके बाद नॉकआउट मरहला शुरू हो जाएगा राउंड ऑफ 16 3 दिसंबर से, उसमें जो टीम हारते जाएगी वो नॉकआउट होता जाएगी टूर्नामेंट से, और नेक्स्ट राउंड के लिए क्वार्टर फाइनल के लिए जो जीतने वाली टीम होगी वो क्वालिफाई कर जाएगी। इसी तरह राउंड ऑफ 16 के बाद क्वार्टर फाइनल के मुकाबले होंगे, जो 8 टीमें खेलेंगी, जो जो टीम हारेगी वो बाहर होते जाएगी और जो जीतेगी वो सेमीफाइनल में आ जाएगी। इसी तरह सेमीफाइनल के हारने वाली टीमों के दरमियान तीसरी पोजीशन का मैच होगा और फाइनल इस टूर्नामेंट का 18 दिसंबर। जी दोस्तों, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और उम्मीद है वर्ल्ड कप भी बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह। हाफिज़।